हेलो बच्चों, अगर मगर और काश में हूँ, अगर मगर और काश में हूँ, लेट जरूर हूँ लेकिन मंजिल की तलाश में हूँ, मैं खुद की तलाश में हूँ। आज एक बार फिर से इस बेहतरीन सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज मैं इस सेशन में जे.जे. थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड अल्फास कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करना है। देखिए, आज बात होगी कुछ खास होगी। आज हमें सबसे पहले एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल को एक बेहतरीन अंदाज में थॉमसन के ही अंदाज में अंडरस्टैंड करना होगा। कैसे अंडरस्टैंड करना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर कैसा होगा, आइए इसकी बात करें। पूरी माया को जानने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा। सबसे पहले बात करेंगे थॉमसन ने इस मॉडल को कब प्रपोज किया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद थॉमसन ही थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उन्होंने अपने ही अंदाज में एक्सप्लेन किया। सुनिए कैसे एक्सप्लेन किया। थॉमसन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नेम्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वॉटर मेलन मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, वॉटर मेलन मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसकी पूरी माया को हम जानेंगे। उससे पहले देखिए, थॉमसन स्टेट्स दैट एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जी हाँ, यूनिफॉर्म स्फीयर होगा एटम पॉजिटिव चार्ज का, एंड पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देखिए इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको कंपेयर किया जा सकता है पुडिंग से। गोल मटोल एटम होगा, मान लेते हैं पुडिंग गोल मटोल है, मान लेते हैं ये जो तरबूज है वॉटरमेलन है, ये गोल मटोल है। इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप देखिए पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उन्होंने पुडिंग से कंपेयर किया, उन्होंने कहा जिस प्रकार से किशमिश इसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। जी हाँ, अगर किशमिश की तरह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, इसका मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज के काफी पास होंगे, इससे काफी स्टेबल अरेंजमेंट बन जाएगी। ऐसे ही तरबूज के अंदर जो सीड्स आप देख रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन जैसा माना, और ये जो रेड पार्ट इसका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर एम्बेडेड होंगे, पॉजिटिव चार्ज के क्लोज होंगे, तो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होगी अकॉर्डिंग टू थॉमसन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, इसको जानेंगे, बाद में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, थॉमसन ने यहां किशमिश से इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एम्बेडेड है, और उन्होंने पुडिंग मॉडल प्रपोज किया। लेकिन बाद में लोगों ने उसको कंपेयर किया किससे, वॉटरमेलन से भी, इसलिए इस मॉडल को वॉटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। देखिए किस प्रकार से मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होगी, पॉजिटिव चार्ज कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से एम्बेडेड होंगे, ये पूरी पिक्चर आपके सामने है, पूरी माया आपके सामने है। लेकिन इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, आइए ये जाने इसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। पॉइंट नंबर वन, एन इंपोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मास सेंटर पर कंसेंट्रेटेड होता है, ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा तो होता नहीं है, तो ये होगा इसका ड्रॉबैक। इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही नहीं है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है, ये हम जानेंगे बाद में। बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ और मॉडल्स आए, उनको जानने के बाद आप देख पाएंगे ये स्टैटिक मॉडल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इसलिए ये इसका क्या होगा, ड्रॉबैक होगा। स्टैटिक मॉडल थॉमसन मॉडल था, लेकिन बाद में आप देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल में, बोर मॉडल में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस बेहतरीन अंदाज में होती है।
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ एटम्स कम स्टेबल होंगे तो कुछ एटम्स ज्यादा स्टेबल होंगे। उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, कौन से एटम्स कम स्टेबल होंगे, कौन से एटम्स ज्यादा स्टेबल होंगे। ऐसा डिस्कशन थॉमसन ने किया ही नहीं, यानी थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल से जो एक्सप्लेन हो पाया ये देखिए क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थॉमसन एक बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन की, एटम के ऊपर नेट चार्ज जीरो है तो प्लस क्यू चार्ज प्रोटॉन्स का होगा, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा, तो देखिए नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन की, लेकिन ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन अदर ऑब्जर्वेशन लाइक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी पूरी माया को जानेंगे। ये तो आपको समझ आ ही गया है, इस मॉडल में काफी सारी कमियां हैं। तो कुछ ही साल बाद इस मॉडल को डिस्कार्ड किया गया और थॉमसन के इस मॉडल को रोंग प्रूव किया गया। किसने रोंग प्रूव किया, सबसे पहला स्टेप एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने उठाया। देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इनकरेक्ट प्रूव किया गया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, इससे बिल्कुल ये साफ प्रूव हो जाएगा थॉमसन मॉडल डिस्कार्ड कर देना चाहिए, थॉमसन मॉडल करेक्ट नहीं है। आइए इस पूरी माया को जानने के लिए क्यों थॉमसन मॉडल इनकरेक्ट है और कैसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मैच नहीं होते हैं, इसको जानना है तो आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है इसकी हम बात करेंगे। 1908 में रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रेडियम और पोलोनियम वाज यूज्ड एज अल्फा पार्टिकल्स एमिटर। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, आइए सबसे पहले इसकी बात करें। डबली चार्ज्ड हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। देखिए डबली चार्ज्ड हीलियम, हीलियम 2 प्लस, ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके से। देखिए डीके का क्या मीनिंग है, ये तो रेडियम है, पोलोनियम है, ये अनस्टेबल होते हैं, अगर अनस्टेबल हैं तो ये डिसइंटीग्रेट होंगे, डीके करते हैं अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम 2 प्लस एमिट करते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं और किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो पाएंगे और ये किसमें चेंज होंगे अल्फा पार्टिकल्स एमिट करने के बाद, इस पूरी माया को रेडियो एक्टिविटी में जानना है। यहां तो केवल और केवल हमें इतना जानना है कि ये दोनों अल्फा पार्टिकल एमिटर की तरह यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अल्फा पार्टिकल एमिटर होते हैं रेडियम और पोलोनियम, इन दोनों में से किसी भी अल्फा पार्टिकल एमिटर को यूज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू, दीज अल्फा पार्टिकल्स विद स्पीड अराउंड 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड वर बम्बार्डेड ऑन थिन मेटल फॉइल। और मेटल फॉइल यहां पर कौन सी यूज की, गोल्ड फॉइल यूज की। क्या बता सकते हैं, गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की गई, कोई और मेटल फॉइल क्यों यूज नहीं की। देखिए काफी थिन मेटल फॉइल हमें यूज करनी है, कितने थिकनेस होनी चाहिए, अराउंड 10^-4 mm थिक होनी चाहिए। इतनी कम थिकनेस अगर मेटल फॉइल की चाहिए तो इस मेटल की मेलिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। यह आप जानते हैं गोल्ड को पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली फॉइल बनाई जा सकती है। गोल्ड इज हाईली मेलिएबल मेटल, इसलिए गोल्ड को ही यूज किया गया था इतनी पतली मेटल फॉइल बनाने के लिए। और हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई, गोले की स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स को ट्रेवल करवाया गया और ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के साथ जैसे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे, स्ट्रेट जाएंगे, क्या होगा, किधर जाएंगे, ये चेक करना था। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने ZNS स्क्रीन को फिट किया। कहां फिट किया, मेटल के चारों तरफ एक सर्कुलर ZNS स्क्रीन फिट की। ये आप यहां देख भी सकते हैं, ZNS एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो इसका क्या रोल होगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल ZNS स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है तो ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल
ZNS screen was fitted. When alpha particles strike the ZNS, a bright spot was observed. देखिए सेटअप कैसा होगा, देखिए कंप्लीट सेटअप कैसा होगा. कंप्लीट सेटअप ऐसा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट सेटअप आपके सामने है. इस बॉक्स में रेडियम होगा. कौन होगा? रेडियम होगा. रेडियम अल्फा पार्टिकल एमिटर है, हीलियम 2 प्लस को एमिट करता है. ये नैरो होल बनाया जाएगा, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल पाएंगे. अगर यहां पर लेड बॉक्स यूज नहीं करेंगे, किसी और मटेरियल का बॉक्स यूज करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि अल्फा पार्टिकल्स उससे बाहर ना पाए. ऐसा हो सकता है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो जाएं. यहां पर जो लेड आपका यूज हुआ है, इस लेड की यूज होने से अल्फा पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में एमिट नहीं हो पाएंगे. लेड अलाउड नहीं करेगा अल्फा पार्टिकल्स के इस टाइप के एमिशन को. रैंडम डायरेक्शन में केवल जिस तरफ होल होगा उस तरफ से ही अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो पाएंगे. यानी अल्फा पार्टिकल्स एक टारगेटेड मैनर में ही मेटल फॉइल की तरफ भेजे जाएंगे. और यहां पर रास्ते में देखिए लेड प्लेट सिस्टम और स्लिट सिस्टम है, यानी स्लिट्स यूज होंगी. स्लिट्स यूज होने से फायदा क्या है? अगर हल्का फुल्का अल्फा पार्टिकल के पाथ में कोई डेविएशन रहा होगा, ये डेविएशन भी ना रह पाए. जैसे ही इन स्लिट के थ्रू अल्फा पार्टिकल पास होगा, तो अगर हल्का फुल्का डेविएशन होगा तो ये डेविएशन नहीं रह पाएगा. अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट इन स्लिट्स के थ्रू पास होते हुए इस थिन मेटल फॉइल पर जाकर स्ट्राइक करेंगे. इसकी थिकनेस काफी कम है. कितनी है ये आपके सामने है, पहले भी आपको बताया जा चुका है कितनी थिकनेस होनी चाहिए. काफी कम होनी चाहिए, इसलिए गोल्ड फॉइल को ही यूज किया गया है. गोल्ड ज्यादा मेलिबल है और ज्यादा थिन मेटल बनाई जा सकती है. क्लियर है बात? इसलिए गोल्ड फॉइल हम यूज करते हैं. जैसे अल्फा पार्टिकल्स यहां से जो एमिट होने वाले हैं, जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे, इस मेटल फॉइल के साथ स्ट्राइक होंगे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाएंगे. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाएंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा. ये जो आप इस मेटल फॉइल के चारों तरफ देख रहे हैं, ये सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जो किससे बनी है? ZNS से बनी है. जहां पर अल्फा पार्टिकल जाकर स्ट्राइक करता है, वहां पर हमें ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा. इस प्रकार से डेविएशन का पता भी चल पाएगा, कितना डेविएशन हुआ, आसानी के साथ एंगल को भी हम मेजर कर पाएंगे. जहां पर जाकर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होगा, वहां पर देखिए इस प्रकार से ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है. कितने पार्टिकल्स का कितना डेविएशन हो पाया? ज्यादा पार्टिकल्स डेविएट होंगे या स्ट्रेट जाएंगे, इसका पूरा आइडिया देखिए हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिल पाएगा. जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें देखिए क्या मिलता है, इसकी डिटेल में बात करनी है. ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन. 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए. जैसे अल्फा पार्टिकल्स को पास किया विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए. उसके बाद देखिए एक और ऑब्जर्वेशन आपके सामने है. ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. कुछ अल्फा पार्टिकल्स कम एंगल से डिफ्लेक्ट भी होंगे. क्यों होंगे, इसकी पूरी माया को हम जानेंगे. तब तक के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को क्या करना होगा, फिनिश करना होगा. लास्ट ऑब्जर्वेशन देखिए क्या मिलती है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर आपको, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डेविएशन देखने को भी मिलेगा. लास्ट ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है. ए वेरी फ्यू अबाउट वन इन ट्वेंटी थाउजेंड डिड नॉट पास थ्रू गोल्ड फॉइल. 20,000 में से एक पार्टिकल ऑलमोस्ट गोल्ड फॉइल से पास नहीं कर पाएगा, या फिर काफी ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो पाएगा. इवन केम बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे हैव कम. डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री इज ऑब्जर्व्ड. या तो ज्यादा डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड होगा या फिर 180 डिग्री एंगल के साथ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड होगा. तो अभी तक हमने बात की है 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाएंगे. क्लियर है बात, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से भी डिफ्लेक्ट होंगे.
ऑलमोस्ट 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल या तो लार्ज एंगल से डेविएट होगा या फिर 180 डिग्री से रिकॉइल होगा या रिबाउंड होगा। इसकी पूरी माया को जानने के लिए चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे, इस पूरी माया को हमें जानना है। वन बाय वन सभी पॉइंट की मीनिंग को हमें अंडरस्टैंड करना है। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड। पॉइंट नंबर वन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। एटम में काफी ज्यादा वेकेंट स्पेस है। जी हाँ, वहां से अल्फा पार्टिकल्स एक बेहतरीन अंदाज में निकल पाए होंगे। देखिए किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो पाए होंगे। ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है और इसमें काफी सारे गोल्ड के एटम्स हैं। आप देख रहे होंगे कुछ एटम्स की मैंने बात की है। तो देखिए होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो होगा क्या, अल्फा पार्टिकल्स जो दूर हैं इस पॉजिटिव चार्ज से, ये अल्फा पार्टिकल्स विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन स्टेट चले जाएंगे। ये अल्फा पार्टिकल्स विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में स्टेट चले जाएंगे। इसका क्या मीनिंग है, मोस्ट ऑफ स्पेस विद इन द एटम इज वेकेंट स्पेस और एम्प्टी स्पेस, एटम इज होलो। देखिए यहां से ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल पाएगी और इससे ये कंक्लूजन हम यहां पर डिड्यूस कर पाएंगे। आई होप आपने इस पॉइंट को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए वक्त हो गया है पॉइंट नंबर टू को अंडरस्टैंड करने का। जो ऑब्जर्वेशन में हमने पॉइंट नंबर टू की बात की, आइए इस पॉइंट नंबर टू को फील करते हैं और वहां से क्या कंक्लूड कर पाएंगे, इसकी बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं। पॉइंट नंबर टू क्या था, इफ यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। देखिए ऐसा क्यों हुआ है, दिस डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। ध्यान से देखिए, हीलियम 2+ ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, प्लस प्लस में रिपल्शन होगी। ये देखिए ज्यादा पास से अगर अल्फा पार्टिकल्स या इस पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा पास से गुजरेंगे जाएंगे तो ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है। अगर थोड़ा दूर से जाएंगे तो डेविएशन कम देखने को मिलता है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दूर से जाएंगे तो डेविएशन कम देखने को मिलता है, पास से जाएंगे तो डेविएशन ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल पास से गया है, डेविएशन और डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिला है, और ये अल्फा पार्टिकल दूर से ही गया है तो यहां डेविएशन और डिफ्लेक्शन उतना देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां क्या होगा, यहां कम होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ऐसा डिफ्लेक्शन और डेविएशन कम अल्फा पार्टिकल्स में देखने को क्यों मिलता है और कम एंगल से देखने को क्यों मिलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंसेंट्रेटेड होगा। ये हमें यहां से कंक्लूड करना है, पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द एटम। अगर ज्यादा स्पेस ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट होना चाहिए था। जो अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होते हैं इसका नंबर काफी कम है। अगर ये नंबर कम है इसका मीनिंग है ये पॉजिटिव चार्ज कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आई होप पॉइंट नंबर टू से जो आपको देखना था, जो आपको फील करना था, या फील कर चुके हैं। वक्त हो गया है आगे चलने का। अल्फा पार्टिकल जब इस पॉइंट चार्ज के पास आएगा, अल्फा पार्टिकल जब इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगी, डेविएशन होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास जो काफी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास व्हिच ऑक्यूपाइज ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या होगा,
न्यूक्लियस होगा, ये कहां प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट और सपोज टू बी प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। जी हां, इस पॉजिटिव चार्ज को माना गया है ये सेंटर पर प्रेजेंट होगा, यहां कंसेंट्रेटेड होगा, ये रे बात, जहां पर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके नजदीक जैसे अल्फा पार्टिकल जाएगा कि डेविएट होगा, ज्यादा नजदीक जाएगा ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, ये आप देख चुके हैं, दूर से जाएगा डेविएशन कम देखने को मिलता है या डेविएशन देखने को ही नहीं मिलता है, ज्यादा पास जाएगा देखिए डेविएशन ज्यादा देखने को मिलता है, दूर से जाएगा या तो डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा या फिर डेविएशन हल्का सा देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? अगर ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा और ये काफी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और ये सेंटर पर प्रेजेंट होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे जहां प्रेजेंट होगा? इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। आई होप ये आपने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये देखिए लास्ट पॉइंट, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिकॉइल और रिबाउंड और डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल। ऐसा क्यों हुआ था? सोचिए इसके बारे में, ऐसा क्यों होगा? लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों होंगे या फिर 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट क्यों होंगे? दिस इज ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। ऐसा 20,000 में से एक पार्टिकल के साथ होगा। देखिए काफी कम पॉसिबिलिटी है, ये न्यूक्लियस काफी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके नजदीक चला गया, देखिए यहां चला गया, तो डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और बिल्कुल सामने ही चला गया उस केस में रिकॉइल होगा, रिबाउंड होगा, अभी अल्फा पार्टिकल वापिस आ जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, देखिए ऐसे जाएगा फिर वापिस आएगा, वापिस इसी लाइन पर वापिस आएगा। अब इसको इसी लाइन पर तो इंडिकेट नहीं किया जा सकता है, तो वापिस जाएगा, इसको मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया है, एक्चुअल में क्या होगा? ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही वापिस आएगा, ये तो मैंने वैसे इंडिकेट कर दिया है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होगी, और ये इसको टच करने के बजाय पहले ही वापिस आ जाएगा, ऐसे वापिस आ जाएगा। क्लियर है बात? तो हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट कोलिजन में जब अल्फा पार्टिकल आएगा, तो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से जिस पाथ से आया था उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापिस आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे इंडिकेट किया, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे इंडिकेट क्यों किया है? अगर यहीं से रिट्रेस करते हुए मैं आपको दिखाता तो हो सकता है आप ज्यादा अच्छे से फील नहीं कर पाते, लेकिन यहां देखिए ऐसे जाएगा वापिस आएगा, अब आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसको पेनिट्रेट करके इधर से तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, रिट्रेस करेगा और रिकॉइल करेगा, वापिस चला जाएगा, और इस प्रकार से ज्यादा क्लोज अगर अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के जाएगा, आमने सामने नहीं होगा बिल्कुल, ज्यादा क्लोज जाएगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन के साथ इस प्रकार से डेविएट हो जाएगा। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो देखिए एक और पॉइंट देखिए, ये जो न्यूक्लियस है काफी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो रिकॉइल होगा, रिबाउंड होगा या ज्यादा एंगल से डेविएट होगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो अल्फा पार्टिकल किसके पास आने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल होगा, ऑलमोस्ट एक ही अल्फा पार्टिकल होगा जो इस प्रकार से रिकॉइल कर रहा होगा, रिबाउंड कर रहा होगा या ज्यादा एंगल से डेविएट कर रहा होगा। और इस पूरी माया को आप यहां से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट जाएंगे। जी हां, स्ट्रेट जाएंगे। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, जो न्यूक्लियस के नजदीक से जाएंगे डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल आमना सामना हो जाएगा, 1 in 20,000 आमना सामना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 in 20,000 ये क्या होंगे? रिकॉइल होंगे, रिबाउंड होंगे। आई होप ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर है। अगर ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखिए एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
पूरी माया को हमें अंडरस्टैंड करना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, आइए इसको जानने के लिए मेरे साथ सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होगा तो क्या होगा। कहानी देखिए क्या है। कंसिडर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स न्यूक्लियस। क्या होगा सोचिए, मूव कर रहा है, करते 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 न्यूक्लियस के नजदीक आ गया है। क्या होगा सोचिए सोचिए। विद वेलोसिटी ऑफ वी एट एनी टाइम एज दिस अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मूव करते 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 पास आ गया, पास आते आते वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गई। ये क्या है? जी हां, रिपल्शन होगी। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हीलियम 2 प्लस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पास आएगा, रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। एट ए सर्टेन डिस्टेंस डी फ्रॉम द न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल विल स्टॉप। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डी डिस्टेंस पर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, करेंगे इसकी बात। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आइए इसकी पूरी माया को जानने के लिए तैयार हो जाएं बिल्कुल। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। अरे न्यूक्लियस है कि नहीं है? बिल्कुल न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? जेड होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे क्लियर है कि नहीं है? अगर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो चार्ज क्या होगा? प्लस जेड ई कूलम्ब होगा। ध्यान से सुनना, चार्ज क्या होगा? प्लस जेड ई कूलम्ब होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड है, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई कूलम्ब, जेड प्रोटॉन का चार्ज प्लस जेड ई कूलम्ब। अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो चार्ज क्या होगा? प्लस जेड ई कूलम्ब होगा। और यहां से देखिए, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस चलना स्टार्ट करेगा। अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां से चलना स्टार्ट करेगा। जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होने लग जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। ऐसा क्यों होगा? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 यहां देखिए, यहां जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतना ज्यादा ये इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, यहां इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सोचिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये रिबाउंड होगा, रिकॉइल होगा, वापिस चलना स्टार्ट करेगा। इसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता है, न्यूक्लियस को भेद कर उस तरफ चला जाए, न्यूक्लियस को चीर कर उस तरफ चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो होगा क्या? ये इसको रिपेल करेगा तो काफी पहले ही रुक जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये वापिस चलना स्टार्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, वापिस चलना स्टार्ट करेगा। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर वी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है यहां से, और यहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो इसकी एनर्जी किधर गई? काइनेटिक एनर्जी किधर गई बताइए? काइनेटिक एनर्जी किधर जाएगी? अगर यहां इसके पास हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी यहां तो है ही नहीं। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? जीरो हुई। किधर गई काइनेटिक एनर्जी? सोचिए इसके बारे में। एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किधर गई, इसके बारे में अगर आप सोच लेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइए, ईमानदारी से कमेंट कीजिए। अगर आप इस पॉइंट पर सोच पा रहे हैं, इसका मीनिंग है आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, आप जे एडवांस्ड और नीट डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। जल्दी से आंसर अपना पोस्ट कीजिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी किधर चली गई? अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर हाफ एम वी स्क्वेयर थी तो यहां तो इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। किधर गई काइनेटिक एनर्जी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने सोच लिया, अच्छी बात है, आपने कमेंट कर दिया, और भी अच्छी बात है। तो देखिए, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई? काइनेटिक एनर्जी हैज बीन, काइनेटिक एनर्जी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तब्दील हो गई है। जी हां, ये ज्यादा डिटेल में 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में जान पाएंगे। जैसे टू बॉडीज M1 M2 मास के पास आएंगी, सेपरेटेड फ्रॉम आर डिस्टेंस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -G m1 m2 r होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला आप याद कर लें, बेहतरीन अंदाज में इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। तब ये जिस डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आइए इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें। इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, तो क्या रही होगी वो काइनेटिक एनर्जी? किस फॉर्म में स्टोर हो गई होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, K(Q1Q2)r, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। देखिए डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स क्या है? डी है, ये डी है। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए इनिशियल एनर्जी क्या है? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। इनिशियल एनर्जी क्या है? 1/2 × mv² ½ mv² काइनेटिक एनर्जी ही इसकी क्या थी? अल्फा पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी थी। क्लियर है बात? अब देखिए फाइनल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K(Q1). अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? डबली आयोनाइज्ड है, 2+, कूलम में पुट करना है, क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियस पर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस पर चार्ज, अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो चार्ज क्या है? ये है जेड ई। क्लियर है बात? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी, वेयर डी इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इससे हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये फॉर्मूला कहां से आएगा? ये फिजिक्स में आप सीखेंगे 12th क्लास में। अभी मुझे इस फॉर्मूला की ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी है। आई होप आसानी के साथ आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये डी है। और इस डी की कैलकुलेशन के लिए आप यहां पर इसकी स्पीड पुट करेंगे, इसका मास पुट करेंगे, ये आप मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे, मास आप किलोग्राम में पुट करेंगे, ये आपको मीटर में मिल पाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये मीटर में मिल पाएगा। कब? जब ये कूलम में पुट करेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹, अगेन 1.6 × 10⁻¹⁹. के क्या होगा? 9 × 10⁻⁹, न्यूटन
मीटर स्क्वेयर कूलम माइनस टू, याद रखें इन यूनिट्स में ही आपको वैल्यूज पुट करनी है तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करने से हमें क्या मिल पाएगा, हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल पाएगा। आई होप आप इसको याद रखेंगे। देखिए इसका प्रमाण देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, उसके बाद इसका एक शानदार प्रमाण देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल यूज्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस यूज होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, इसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सोचिए इसके बारे में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हीलियम की रिप्रेजेंटेशन हीलियम 4-2 है, हीलियम 4-2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, जब भी किसी एटम से चार्ज्ड आयन की बात की जाएगी, चार्ज्ड एटम की बात की जाएगी, आयन तो चार्ज्ड होता ही है, अरे मानते हो नहीं मानते हो, तो इस केस में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करनी हो, ये आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बताया जा चुका है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, जब भी न्यूट्रल एटम से आयन बनेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड होंगे, ध्यान से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड माइनस चार्ज होंगे, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का नंबर ही डिफर कर रहा होगा, बाकी चीजें तो क्या मिलेंगी आपको, सेम मिलेंगी। देखिए ये क्या है, ये ए है, मास नंबर है, ये क्या है एटॉमिक नंबर जेड है। तो आइए बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, जेड के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे, इसका आंसर 2 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जेड माइनस चार्ज, जेड क्या है, ध्यान से देखिए जेड 2 है, माइनस चार्ज, चार्ज प्लस 2 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 होगा, दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों ही लूज कर दिए, हीलियम ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होंगे, हीलियम 2 प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमेनिंग होंगे। आगे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होंगे, ए क्या है 4 है, माइनस जेड, जेड 2 है, माइनस 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होंगे। इस प्रकार से अल्फा पार्टिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपके पास है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसका प्रमाण आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखिए। देखिए विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ कॉपर सो एज टू अराइव एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 13 मीटर फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। देखिए 10 रेज टू पावर माइनस 13 मीटर तक अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करते करते अगर पहुंच जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 10 रेज टू पावर माइनस 13 है, तो किस वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल को ट्रेवल करना चाहिए। मान लेते हैं वेलोसिटी v है, ये अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस है, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस है और इसकी वेलोसिटी v है, ये ट्रेवल करते 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 यहां देखिए यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां कौन बैठा होगा, न्यूक्लियस ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर का, चार्ज क्या होगा प्लस 29 ई होगा, कितना कूलम होगा, इक्वल है 1.6 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम के, इतना कूलम चार्ज होगा, ये आपके सामने। तो यहां जाकर अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा, वी जीरो हो जाएगी, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, 10 रेज टू पावर माइनस 13 मीटर, यह आपको गिवन है। ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करनी होगी, यानी
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करना होगा काइनेटिक एनर्जी से, या इसके पास अल्फा पार्टिकल के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर थी। यहां जाकर अल्फा पार्टिकल रुक गया है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई है, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब ये मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया जा सकता है, के इन टू क्यू वन क्यू टू बाय आर इज इक्वल टू वन बाय टू एम वी स्क्वेयर। देखिए चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल पर 2 प्लस चार्ज है, यहां क्या पुट करना होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्लस है, 2 ही पुट करना होगा, और यहां क्या पुट करना होगा, न्यूक्लियस का चार्ज 29 ई पुट करना होगा, और ये देखिए क्या डिस्टेंस है, 10 रेज टू पावर माइनस 13, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्या है, तो जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होता है, हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करना है मास के अल्फा पार्टिकल का। देखिए मास नंबर हीलियम 2 प्लस का क्या है, मास नंबर हीलियम 2 प्लस का 4 है, मास क्या होगा किलोग्राम में पुट करना है, ये 4 एमयू होगा, 1 एमयू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है, किलोग्राम में पुट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड भी करना होगा, ये क्या हो जाएगा 10⁻²⁷ हो जाएगा, इतना किलोग्राम मास हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का। अब देखिए वी हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन है, ई को क्या पुट करेंगे, ई क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए चार्ज हमें इस केस में कूलम यूनिट में ही पुट करना होगा, तो यहां से वी क्या मिल पाएगी, स्पीड क्या मिल पाएगी, 9 × 10⁹ × 58 × e⁻²2, यानी क्या हो जाएगा ये 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर 10⁻³⁻¹। राइट साइड क्या है 1/2 × 4 × 1.66 × 10⁻²⁷ × v⁴2। देखिए क्या मिलता है 2 × 2 = 4, अगर इसको यहां से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया जाए इसको और इसको, तो यहां क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1.66 × 10⁻²⁻¹, और इस पावर 2 से यहां पर लगाया जाए अंडर रूट और पावर 1/2, तो आपको यहां से देखिए v क्या मिल पाएगी, आपको यहां से v मिल पाएगी 6.325 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई करना ही आपका काम है, आई होप आप 20 के फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, अगर आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं तो ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, ए 1 MeV प्रोटोन इज सेंट, ए 1 MeV प्रोटोन इज सेंट अगेंस्ट गोल्ड फॉइल हुज एटॉमिक नंबर इज 79, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर हेड ऑन कोलिजन के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, इसकी हमें बात करनी है। डायरेक्टली आपको एनर्जी ही गिवन है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली हम 1/2 mv² इज इक्वल टू के इनटू q1 q2 / r। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करना होता है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ही गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना होगा 1 MeV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना होगा, ये हुआ 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल है, ध्यान से देखिए जूल में कन्वर्ट करें 1 MeV को, तो 1 MeV इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
जूल में कन्वर्ट किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से देखिए क्या मिलता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल मिलता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल हुआ, देखिए इतने जूल के इक्वल हुआ। सिंपल बात है, कुछ भी इसमें एडवांस मैंने नहीं किया है, उम्मीद करता हूं यह आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए ये एनर्जी हमें जूल में ही पुट करनी है, क्या है ये 1.6 × 10⁻³⁻¹⁰ जूल। आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की गिवन है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा कूलम में, प्लस ई कूलम होगा, एंड देखिए गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, ये होगा प्लस 79 ई होगा। के को आप जानते हैं, जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए, क्या सिंप्लीफाई करना, देखिए सिंप्लीफाई हमें ये करना है, आपको गिवन क्या है 1.6 × 10⁻³⁻¹³ जूल ये एनर्जी आपको गिवन है, इसको इक्वेट करना होगा के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर से, आर क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको आप डी भी पुट कर सकते हैं, इसको आप पुट कर सकते हैं डी भी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसको मैंने डी पुट किया, डी पुट करने के बाद ये डी क्या मिलता है, के क्या है, के बताइए सबसे पहले के क्या है, 9 × 10⁻⁹ है, के इज 9 × 10⁻⁹ एंड क्यू वन क्यू टू ये हो जाएगा 79 e^2 डिवाइडेड बाय डी। डी हमें कैलकुलेट करना है, देखिए रियरेंज करने के बाद डी क्या मिलता है, इसको यहां शिफ्ट करते हैं और इसको यहां, तो डी क्या मिलता है 9 × 10⁻⁹ × 79 e^2 क्या होगा, ये होगा 1.6 × 10⁻⁹⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻³⁻¹³। देखिए डी यहां से क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहां इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें यहां से मिलता है 1.137 × 10⁻³⁻¹³ मीटर, ये होगा इसका फाइनल आंसर। जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए, आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। आई होप कैलकुलेशन के बाद आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये क्या है, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, एक बेहतरीन ग्राफ प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पर देखिए क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल थीटा, ये ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट किया जाए सोचिए इसके बारे में। देखिए हिंट ये है, ऐसे पार्टिकल्स जो 180 डिग्री से रिकॉइल करते हैं, रिबाउंड करते हैं, या ज्यादा बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं, इनका नंबर क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखिए, एंगल ज्यादा होगा पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा, तो ग्राफ मुझे लगता है ऐसा मिलेगा, डिफ्लेक्शन एंगल और स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा। देखिए ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करने वाले पार्टिकल्स कम होंगे और कम डिफ्लेक्शन शो करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, कम डिफ्लेक्शन शो करने वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो ग्राफ ऐसा ही तो होगा। आई होप इसको आपने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके अलावा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताना चाहूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड कैपिटल एन, ये हायर फिजिक्स से अगर फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, मैथ्स को अप्लाई करते हैं, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर मिलते हैं। जेड क्या है, जेड अटोमिक नंबर है, किसका अटोमिक नंबर है,
ये उस मेटल का एटॉमिक नंबर है जिस मेटल के न्यूक्लियस के साथ स्केटरिंग हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/kinetic energy raised to power 2k, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/sin θ/2 raised to power 4k, थीटा क्या है, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। इस प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड ये रिलेटेड है, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बन सकता है, अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करना तो ये लीजिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सामने है। आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को पोस्ट करना है, और ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये कहां से मिलते हैं, देखिए ये हमें हायर फिजिक्स एंड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए मिलते हैं। तो यहां पर मैंने इन रिलेशंस को डायरेक्टली एस्टेब्लिश कर लिया है, डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये आई होप आपने याद कर लिए होंगे, इनको यूज करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक आप डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही, अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में रदरफोर्ड मॉडल के साथ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को यूज करते हुए हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, क्या पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आप जान चुके हैं पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये आप जान चुके हैं। यानी थॉमसन मॉडल करेक्ट नहीं है, थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब बात होगी नेक्स्ट सेशन में नए अंदाज के साथ रदरफोर्ड मॉडल की, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।